हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डअप लर्निंग। तो सो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़े थे मोलैरिटी तक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो सो करते हैं शुरू वीडियो को। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू। आज हमारा कंसंट्रेशन टर्म का पाँचवा टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म का ही है। कंसंट्रेशन टर्म के बचे हुए टॉपिक्स को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने कंसंट्रेशन टर्म के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किए थे, तो आप सिंपली हमारे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन जिसे हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन में जब नाम ही है मोल फ्रैक्शन, तो इसमें समझ ही सकते हैं कि हम मोल से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा डिफिनेशन लिखता हूँ। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ एनी पार्टिकुलर कॉम्पोनेंट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ एनी पार्टिकुलर कॉम्पोनेंट, जो पार्टिकुलर कॉम्पोनेंट जैसे हो गए सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट डिजॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। इसका कहने का मतलब हुआ कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ एनी पार्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब कोई भी पार्टिकुलर कंपोनेंट जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मतलब जो जिससे हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी पार्टिकुलर कंपोनेंट जिससे सॉल्यूशन बनता है, जो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिजॉल्व हो किसी 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो डिजॉल्व किए जाते हैं, उसे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट कहते हैं। मतलब उस कॉम्पोनेंट का हम लोग उसको मोल फ्रैक्शन कहेंगे कि कितना सॉल्यूट का मोल डिजॉल्व हुआ है और कितना सॉल्वेंट का मोल डिजॉल्व हुआ है। आप इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक और तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं इसे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कॉम्पोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये है सो रेशियो है मोल का पार्टिकुलर कॉम्पोनेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ये एक रेशियो है जो हमारे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होते हैं। तो ये हमारे एक डिफाइन हो गए, तो इट इज डिफाइंड। तो इससे हम लोग फिर तो इससे हम देखते हैं इसे कि क्या फॉर्मूले बनते हैं वो। जैसे मान लेता हूँ लेट स्मॉल एन है, सो हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मान लेता हूँ कैपिटल एन डिनोट कर रहा है हमारा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है तो बनते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो जनरली हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, तो मैंने पहले बताए हैं। तो एक्स सॉल्यूट, तो सबसे पहले जब सॉल्यूट का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो उसमें सबसे पहले लिखे जाएंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब स्मॉल एन बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के जितने भी मोल है। तो सॉल्यूशन के जितने मोल कैसे हो सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के जितने मोल है वो सॉल्यूशन के इक्वल होते हैं। तो यहाँ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आप समझ रहे होंगे बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारे इन दोनों का सम सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो यही हमारा है, सॉल्यूट के जितने मोल और सॉल्वेंट के जितने मोल को सम करेंगे तो वो हमारे सॉल्यूशन को होंगे। अगर ऐसे ही मैं सॉल्वेंट का अगर निकालना चाहता हूँ, ऐसे ही अगर मैं सॉल्वेंट का निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली बस यहाँ स्मॉल एन और कैपिटल एन जो मैंने बताए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट निकालने तो सॉल्वेंट पहले, सॉल्यूट निकालने तो सॉल्वेंट, बाकी बात ये टोटल सॉल्यूशन का जो मोल रहेगा सो रहेगा ही। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो किन के बराबर है, 1 के बराबर।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 के बराबर है। तो ये हमारे हो गए। इससे आप है सो सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल निकाल सकते हैं, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारे 1 के बराबर हुए। आप इसे जनरल में कर सकते हैं, नोट करके लिख दीजिए एक, इन जनरल, आमतौर पे आप इसे कह सकते हैं समेशन मोल फ्रैक्शन आई इक्वल टू 1 एन, और आई हो 1 से जहाँ तक जा सके। तो ये हमारा हुआ जनरल फॉर्म इसका, ये हमारा इसका जनरल फॉर्म हुआ, जहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस मोर मोर जो 1 के इक्वल हो। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ और ये मेरा फॉर्मूला हुआ। इससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस पे। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन का टर्म हो गया। और आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में। तो करते हैं फिर आगे। एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जब एक्स, जब मतलब मोल फ्रैक्शन किसी का 1 के इक्वल हो, जब मोल फ्रैक्शन किसी का 1 के इक्वल हो, तो दैट कंपोनेंट, तो वो जो कंपोनेंट होंगे इज इन प्योर स्टेट, वो प्योर स्टेट में होंगे। और अगर एक्स इक्वल टू 0 हो, तो दैट कंपोनेंट इज अब्सेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब वो कंपोनेंट ही नहीं होगा सॉल्यूशन में जब एक्स मोल फ्रैक्शन जब 0 हो, और मोल फ्रैक्शन जब 1 हो, तो वो प्योर स्टेट में, मतलब वो एक सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन बना हुआ है। तो ये हमारे हो गए मोल फ्रैक्शन की कहानी खत्म। तो मोल फ्रैक्शन की कहानी खत्म हो चुकी है। इसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन के वीडियो में अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट एंड मोलैरिटी, इसके बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो हेडलाइन डालते हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मतलब मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट, आई मीन मास बाई मास, क्योंकि मास और मोलैरिटी का है सो कैपिटल एम होता है, मास का भी एम होता है, तो इसका सस्पिशन हो सकता है, इसलिए हम वेट यहाँ ले रहा हूँ, और उसके बाद मोलैरिटी, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज़ में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था मोलैरिटी के टर्म में। तो अब मैं इसे तोड़ करके मॉडिफाई करता हूँ इस फॉर्मूले को, और रिलेशन निकालता हूँ इसके बीच। तो एन सॉल्यूट है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाई फॉर्मूला वेट, टोटल वेट बाई मतलब मास बाई फॉर्मूला वेट। तो यहाँ हम लोग सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नीचे ही रहेगा हमारा, और इसे मैं एमएल में चेंज करूँगा, तो ये डिवाइड में आएंगे, तो ये सिंपली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे आए इसे तोड़ने के बाद, मोलैरिटी को तोड़ने के बाद। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसे और मॉडिफाइड करके। तो सिंपली आप देख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू 10 बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे करने से हमें क्या मिलते हैं, सो मैं बता देता हूँ। तो हमारा सिंपली ये मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। जब इस टर्म में दिए रहेंगे क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला डाल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट अगर गिवेन है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट पुट करके 10 वाई, और जो सॉल्यूट रहेंगे उसके फॉर्मूला वेट मतलब उसके मोलर मास को पुट करके आप सिंपली मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे रिलेशन हो गए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलैरिटी के बीच में। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी के बारे में। मोलैरिटी और मोलैलिटी में बस थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें है सो मोलैलिटी में है सो केजी में आ जाते हैं, और उसमें है सो वो एमएल में हो जाते हैं या फिर लीटर में, वही इसमें ऐसा के जी के टर्म में आ जाते हैं। तो सिंपली हम लोग हेडिंग डालेंगे मोलैलिटी, ये भी
सेम उसी की तरह डिफाइन चलेगा इसका भी, मोलैरिटी की तरह. नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूशन में होते थे, यहाँ सॉल्वेंट है, इज कॉल्ड मोलैलिटी. तो हमारे मोलैलिटी क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स का सॉल्यूट के जितने भी मोल्स हैं, जब 1 kg सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में जब उसे डिजॉल्व किया जाता है, वो हमारे मोलैलिटी कराते हैं. तो ये जनरली स्मॉल एम से डिनोटेड किया जाते हैं, कैपिटल एम से नहीं, स्मॉल एम से. वो मोलैरिटी कैपिटल एम से और मोलैलिटी है सो स्मॉल एम से डिनोट किए जाते हैं. तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्वेंट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि केजी में है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो ये हमारा एक छोटू सा फॉर्मूला इसका आएगा मोलैरिटी का. तो अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके देखा जाए. तो हम लोग इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सिंपली हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट. और ये तो हमारा फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट के साथ ही होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में हम लोग चेंज कर देते हैं, तो ये ऊपर में जाके डिवाइड हो जाएंगे 1000 से. यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने मोलैलिटी है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट किया है, और यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में है, उसको सिंपली मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में किया है, तो 1000 से इसमें डिवाइड होगा, वो सिंपली ऊपर जा करके वेट ऑफ सॉल्यूट के साथ मल्टीप्लाई हो गया. अब इसका यूनिट के बारे में बात कर लेता हूँ, इसका यूनिट क्या होते हैं. तो इसका यूनिट होते हैं मोलैलिटी इक्वल टू होते हैं मोल बाई केजी, मोल बाई केजी होते हैं मोलैलिटी. तो सिंपली ये मोल पर केजी होंगे. ये हमारा मोलैरिटी का चैप्टर क्लोज हो गया. अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ अब रिलेशन मोलैरिटी का, मोलैरिटी का और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का रिलेशन क्या होते हैं, इनके बीच के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे. सिंपली बढ़ते हैं आगे. तो हेडिंग डालते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम मोलैलिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. इनके बीच में रिलेशन क्या है उनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे. तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ लेट कैपिटल एम डिनोट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी डिनोट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो ग्राम पर एमएल में होगा, ग्राम या एमएल में होगा. कैपिटल एम डैश मैं मान लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, या आप सिंपली इसे मोलर मास भी मान सकते हैं. और स्मॉल मैं मान लेता हूँ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो हमें रिलेशन निकालना है मोलैलिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में. तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पहले हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होते हैं 1 L 100 ml. मान लिया कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है 1 L, तो इसको सिंपली हम लोग चेंज करेंगे एमएल में, तो ये हो गए 1000 ml में हो गए. तो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारे होते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूला. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट को मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया है. तो सिंपली आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सिंपली आप लोग तोड़ के लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो यहाँ एम डैश इक्वल टू मोलैरिटी. तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा हो गया क्या, एम इंटू एम डैश. तो ये हमारे हुए. उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डेंस एम इंटू एम डैश हो गया,
सबसे पहले मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद मैंने सिंपली ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूट को है सो सिंपली मोलरिटी के इक्वल किया एम के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सिंपली मैंने तोड़ के लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये सिंपली हमारा एम के इक्वल हुआ, मास के इक्वल, मोल्स के इक्वल हुआ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारा एम इंटू एम डैश। अब डेंसिटी क्या होते हैं, मास, ये मैंने मास को लिखा है सिंपली। अब डेंसिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो एम सॉल्यूशन मतलब मास, इसे आप मास समझिएगा, मैं लिख देता हूँ इधर मास सॉल्यूशन 1000 डी ग्राम। सिंपली मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन लिखे हैं तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएंगे, तो 1000 डी ग्राम लिखा है मैंने। फिर एम सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारा 1000 डी माइनस एम एम डैस। ये आप समझ रहे होंगे या फिर आपके ऊपर से जा रहे होंगे, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। एम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट निकाल रहे हैं तो सिंपली हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दिया जाएगा। तो 1000 डी ग्राम हमारा सॉल्यूशन है और हमारा सॉल्यूट दिया हुआ है एम एम डैश, तो सिंपली मैंने इसको माइनस कर दिया इसमें, तो स्मॉल एम। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख देता हूँ मोलेलिटी। तो मोलेलिटी हमारा क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट जो केजी में होता है। तो ये हमारा हुआ मोलेलिटी, मोलेलिटी का फॉर्मूला। तो सिंपली आप यहाँ से डिराइव करके लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने किनके इक्वल किए हैं, एम के इक्वल किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने एम के इक्वल किए हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे भी स्मॉल एम इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स विद सॉल्यूट की जगह कैपिटल एम लिख सकते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे आप सिंपली 1000 डी माइनस एम एम डैश बाई 1000, ये हमारे हुए। तो सिंपली आप इसे मॉडिफाई कर दीजिए, और तो एम इक्वल टू हो गए 1000 एम बाई 1000 डी माइनस एम एम डैश। आप मेरे ही साथ इसे लिखते चलिएगा, नहीं तो आपको सस्पिशन हो जाएगा कि कौन सा टर्म मैंने पहले लिखा कौन सा बाद में। तो साथ साथ लिखिएगा तो समझ में आएंगे। उसके बाद फिर ठीक से एक बार वीडियो को फिर देख लीजिएगा तो आपको फिर टोटली समझ में आ जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट है। सिंपली आप ये आ गए तो ये हमारा हुआ मॉडिफाई हो करके। तो आप रिलेशन देख लिए मोलैरिटी, मोलैलिटी और इसके बीच में। अब हम लोग रिलेशन देखने जाएंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में, जो और भी इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद डाइल्यूशन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड एक्स। कैपिटल एन मतलब हो गया मोलैलिटी, कैपिटल एम नहीं सॉरी स्मॉल एम, स्मॉल एम है मोलैलिटी, और ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच हम लोग आज रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि मोलैलिटी क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस इसी फॉर्मूला को तोड़ करके मोल फ्रैक्शन के रिलेशन बस निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे बस न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होंगे और कुछ नहीं। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वैसे ही रहने दीजिए, नीचे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में चेंज कर दिया जाए, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000, ये अपना ग्राम में चेंज हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूट को सिंपली हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वेट ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग सिंपली तोड़ेंगे तो ये हमारे इक्वल होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे दिए हुए, तो सिंपली हम लोग नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे इंटू 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग सिंपली वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये बैलेंस रह सके, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ सके। तो
मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट इसलिए किया कि इससे हम लोग को नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएंगे इस फार्मूला को। तो जब ये इसको करेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएंगे। तो सिंपली हमारा यहाँ से आता है क्या, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये मैंने ऐड किया है तो इसको कट करने के बाद सिंपली यही आ जाएंगे। तो मैंने बैलेंस करके इसे लिया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट सिंपली हमारा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो गए। तो ये हमारे हुए, तो यहाँ से हमारा मोलेलिटी ये हुआ। तो सिंपली इसे भी और मॉडिफाई करेंगे, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर यहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 बाई फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये मैंने ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड किए हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ते, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिंपली फिर इसी के इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हम लोग को ये मैंने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इसलिए लाया है कि ये क्योंकि ये नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सिंपली हमारे मोल फ्रैक्शन के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारा डिराइव होकर के आ चुका है, यहाँ से हमारा डिराइव होकर के आ चुका हुआ है कि हाँ मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ चुके हैं। तो एम इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिंपली, एम इक्वल टू हमारा सिंपली हो जाएगा एक्स सॉल्यूट बाई एक्स सॉल्वेंट, मतलब एक्स सॉल्वेंट करने का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई 1000 बाई फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इससे आपको ईजी होंगे न्यूमेरिकल बनाने में। तो यहाँ हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा रिलेशन आ गया है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच। तो आपको समझ में आ रहे होंगे, ये एक बार मैं फिर से इसे दोहरा देता हूँ। मोलैलिटी का मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसके बाद सिंपली मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी में है उसको मैंने ग्राम में चेंज किया, उसके बाद सिंपली मैंने अपने से इसमें फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट में फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया और उसी से मैंने गुना कर दिया जिस कारण फार्मूला बैलेंस रहे। फिर उसके बाद मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट को सिंपली हम लोग नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, तो सिंपली मैंने ये लिख दिया। उसके बाद है सो यहाँ पे मैंने खुद से नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से दोनों में डिवाइड किया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर सिंपली वही। तो मैंने हम लोग को मोल फ्रैक्शन के टर्म में सोचना था इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद आप सिंपली देख सकते हैं कि ये हमारा मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ चुके हैं। तो यहीं तक आज का क्लास रहेगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरी रूप से देखिएगा। अगले क्लास में हम लोग डायल्यूशन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय। और इससे बेस्ट क्वेश्चन भी जल्दी YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे।